जनवारियस संचरित्र लेखनों के मुताबिक संत जनवारियस का जन्म बेनेवेंतो नामक जगह में हुआ। मात्र 15 साल की उम्र में बेनेवेंतो, जो कि एक आधा ईसाई आधा गैर ईसाई पल्ली था, वहां के पल्ली पुरोहित बने। अपने 20 साल के उम्र में जनवारियस नेपल्स के धर्मादेश नियुक्त किए गए। सम्राट डायोक्लेशन के समय जो उत्पीड़न हुआ था, उस उत्पीड़न के दौरान जनवारियस गिरफ्तार हो गए और उन्हें अपने साथियों के साथ मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें जंगली सुअरों के सामने फेंक कर मार डालने की योजना थी, मगर आम लोगों के विरोध को देखकर 305 में उनका सर काट कर उन्हें मार डाल दिया गया। नेपल्स के महागिरजाघर के बलिवेदी के नीचे एक शीशे के छोटे से बोतल में एक गहरे लाल रंग का पदार्थ रखा हुआ है, जो चमत्कार के दौरान पिघल कर खून बनकर बहने लगता है। यह चमत्कार एक साल में 3 बार होते हैं। पहले बार उनके शहादत के दिन, दूसरे बार जब नेपल्स शहर अपने सर्वश्रेष्ठ संत के पर्व मनाते हैं, और तीसरे दिन मई महीने के पहले शनिवार को। इन दिनों में जब सारे मानव जाति COVID-19 की वजह से पीड़ित है, तब भी ये चमत्कार होगा। पिछले 3 मई को शनिवार के दिन ये खून जब बहने लगा, तब नेपल्स के आर्च बिशप उस खून को लेकर, उस निशाने को लेकर सारे शहर को आशीर्वाद दिया। इस चमत्कार के समय ना ही कोई चंगाई प्राप्त करते हैं, ना ही कोई महान कार्य संपन्न होता है, तो फिर यह चमत्कार क्यों? ये चमत्कार इसलिए है कि लोग विश्वास की ओर आकर्षित हो जाए, लोगों के विश्वास दृढ़ बने और वे लोग ईश्वर को अनुभव कर सके। संत जनवारियस नेपल्स देश के सारेश्वर संत होने के साथ साथ ब्लड बैंक एवं ज्वालामुखियों के विस्फोटन के सारेश्वर संत है। संत जनवारियस अपने मृत्यु के बाद भी अपने निशाने से लोगों को ईश्वरीय प्रेम के एहसास कराते। हमें चाहिए कि हम लोग अपने कार्यों द्वारा, अपने बातों द्वारा ईश्वरीय प्रेम के मध्यस्थ बने, माध्यम बने, लोग हमारे द्वारा ईश्वरीय प्रेम की ओर अग्रसर हों।